गोरखनाथ थाना क्षेत्र के सुभाष नगर कॉलोनी में स्कॉर्पियो सवार 5 बदमाशों ने सोनू जायसवाल पुत्र किशुन जायसवाल निवासी राजेंद्र नगर को हाथ में गोली मारकर फरार हो गए, जिसकी सूचना पर पहुंची पीआरवी ने घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने घायल का प्राथमिक इलाज कर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। घटना की सूचना पाकर जिला अस्पताल पहुंचे एसपी सिटी सोनम कुमार ने घायल व्यक्ति से पूछताछ की, जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि सूचना मिली कि एक व्यक्ति बंदे से भागकर आ रहा है तथा अपना हाथ पकड़ा हुआ है, जिसके हाथ में गोली लगी है। जिसकी सूचना पर मौके पर पहुंची पीआरवी ने घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने घायल को बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। एसपी सिटी ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला किरायेदारी का सामने आया है, व्यक्ति के परिजनों से पूछताछ की जा रही है तथा जो भी आरोपी व्यक्ति होगा उसकी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए घायल व्यक्ति के पिता किशुन जायसवाल तथा एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, किशुन जायसवाल कौन है आप लड़के पिताजी कहाँ कराने वाले हैं जुगिया बाजार पुत्र को गोली लगी क्या मामला है हमारा मुकदमा चल रहा था कोर्ट में है हम लोग लड़की लेके शादी गए थे बनारस जो गोली लगी क्या नाम है उसका सोनू जायसवाल बड़ा लड़का है छोटा बीच वाला लड़का कितने तक है आप हमारे जो मकान में आए उनके लड़के मारे वीरेंद्र सोनकर टिंकू कोई विवाद चल रहा था हाँ जी मकान का दुकान का विवाद चल रहा था कब पता चला कि आपके लड़के अभी पता चला आपको हम कचहरी में थे तब
प्रशासन से ही मांग, हमारा जो दुकान था उससे जब कोर्ट नहीं ले देगी तब होगा। गोली लगा है तो क्या चाह रहे हैं? उनके गिरफ्तारी चाह रहे हैं। थाना क्षेत्र में गोली मारी गई, देखिए अभी सूचना ये मिली थी कि एक व्यक्ति जो है बंधे से आ रहा है और उसके हाथ को बांध को अपने बांह को पकड़े हुए था और उस पर गोली लगी है। उसको तत्काल सूचना पर PRV वहाँ पहुँची और तत्काल उसको यहाँ पर जिला अस्पताल लाया गया। अब इसको यहाँ से BRD रेफर किया जा रहा है। इनके जो परिवार वाले हैं उनसे बातचीत की जा रही है, जिनके इनको संदेह है उनको अभी पकड़ा जाएगा और आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभी तक जो है पूछताछ की जा रही है, जब कंप्लीट पूछताछ हो जाती है तो हम आपको बताएंगे। गिरफ्तारी की जाएगी जैसे भी मामला खुल के आएगा, जैसे भी जो भी साक्ष्य मिलेंगे उसके हिसाब से गिरफ्तारी भी करेंगे। अमरनाथ थाना क्षेत्र में सुभाष चंद्र बोस नगर में एक व्यक्ति सोनू जायसवाल करके उसने सूचना दी कि उसके बाएं हाथ में गोली मारी गई और इस सूचना पर तत्काल PR 315 वहाँ पहुँची, उसे जिला अस्पताल ले जाया जाएगा और वहाँ पर उसकी हालत को देखते हुए उसे BRD मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। ग्रीन कॉरिडोर बना करके ट्रैफिक पुलिस ने तत्काल उन्हें वहाँ भेजा है। अभी उनकी जो स्थिति है वो सामान्य हो गई है और उनका इलाज चल रहा है। ये बताया जा रहा है कि एक किराएदारी का विवाद है, इसको लेकर के थाना मरुत मार्ग पर 384/21 मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पूरे साक्ष्य इकट्ठे किए जा रहे हैं, मेडिकल लीगल रिपोर्ट के बेसिस पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।